आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं रतन टाटा की कार्स कलेक्शन। अंबानी फैमिली की वीडियो में इनकी कार्स कलेक्शन की भी काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी। रतन टाटा वो बिजनेसमैन है इंडिया के जो अपनी 60% से भी ज़्यादा इनकम डोनेट करते हैं, जो प्लेन में बिजनेस क्लास के बजाय इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं, जिन्होंने कोविड-19 रिलीफ के लिए 500 करोड़ रुपये डोनेट किए थे, जो कि अंबानी फैमिली की पूरी कार कलेक्शन के वैल्यूएशन से 2 गुना से भी ज़्यादा है, जो अपने डॉग से बहुत प्यार करते हैं और लोगों को भी स्ट्रे डॉग्स अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। जब 26/11 के अटैक्स हुए थे मुंबई में, तो रतन टाटा खुद इंसिडेंट की लोकेशन पर मौजूद थे और लोगों की मदद भी कर रहे थे। और जब उनकी कंपनी का एक एक्स एम्प्लॉय बीमार था, तो वो मुंबई से पुणे उसके घर तक पहुँच गए उससे मिलने, जबकि वो उनके कंपनी के लिए अब काम भी नहीं करते। वो जब भी कार से ट्रैवल करते हैं तो ड्राइवर के बाजू में ही बैठते हैं, पीछे बैठने के बजाय, और कभी कभार तो खुद ही गाड़ी चला लेते हैं। टाटा कंपनी में एक वर्कर की पोजीशन से कंपनी के ओनर के पोजीशन तक अपनी मेहनत और लगन से पहुंचे हैं। ये सब और बहुत सारी दूसरी चीज़ें रतन टाटा को एक बिजनेसमैन से बढ़कर एक अच्छा इंसान बनाती है, और इसी वजह से लोग इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो चलिए अब इनकी कार कलेक्शन पर नज़र डालते हैं। नंबर 15 पर हम देखेंगे टाटा इंडिगो मरीना। कार की प्राइस 5.3 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 14 पर है होंडा की सिविक। ये भी काफ़ी हम्बल कार है, जिसकी प्राइस 14.8 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 13 पर है टाटा की आर्या। इस कार की प्राइस 16.2 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 12 पर है मर्सिडीज SL 500 कन्वर्टेबल। रतन टाटा को कन्वर्टेबल कार्स का काफ़ी शौक है। इसके अलावा वो और भी ओपन टॉप कार्स ओन करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। इस कार की प्राइस 1.1 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे लैंड रोवर फ्रीलैंडर। इस कार की प्राइस 52 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 10 पर है जैगुआर की XFS। अब रतन टाटा की वीडियो है तो लैंड रोवर और जैगुआर की कार तो रहने ही वाली है। एक इंसल्ट का बदला लेने के लिए इन्होंने दोनों कंपनी ही खरीद कर अपने नाम कर ली। दोनों जैगुआर और लैंड रोवर कंपनीज टाटा के अंडर हैं। इस कार की प्राइस 72 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 9 पर है क्राइसलर सीब्रिंग कन्वर्टेबल। इस कार की प्राइस 16 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 8 पर है मर्सिडीज की ई क्लास। इस कार की प्राइस 47 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 7 पर हम एक और कन्वर्टेबल कार देखेंगे, जो है कैडिलैक XLR कन्वर्टेबल। इस कार की प्राइस 75 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 6 पर है टाटा एस्टेट। रतन टाटा अपने कंपनी की कार्स काफी प्राउडली ओन करते हैं। इस कार की प्राइस 7.1 लाख इंडियन रुपीस है। नंबर 5 पर है मर्सिडीज ई क्लास W124। कार भले ही काफ़ी पुरानी हो, पर रतन टाटा को अपनी कार्स को अच्छे से मेंटेन करके रखना पसंद है। कार की प्राइस 23 लाख इंडियन रुपीज़ है। नंबर 4 पर है मर्सिडीज की एस क्लास। ये कार रतन टाटा डेली ड्राइवर जैसे यूज़ करते हैं। कार की प्राइस 1.1 करोड़ इंडियन रुपीज़ है। नंबर 3 पर हम देखेंगे जैगुआर एफ टाइप कन्वर्टेबल। अब खुद के कंपनी की ही कन्वर्टेबल कार कैसे नहीं ओन कर सकते रतन टाटा। इस कार की प्राइस 1.75 करोड़ इंडियन रुपीस है। नंबर 2 पर है टाटा नेक्सॉन। कार की प्राइस 9.5 लाख इंडियन रुपीस है। अब आते हैं नंबर 1 पर।
यहाँ हम देखेंगे फरारी कैलिफोर्निया, जो कि फिर से एक कन्वर्टेबल कार है। रतन टाटा की सबसे फेवरेट कार है ये, और वो कई बार इस कार को चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। कार की प्राइस 3.2 करोड़ इंडियन रुपीज है। रतन टाटा अपने प्राइवेट जेट से भी काफ़ी ट्रैवल करते हैं। ये प्लेन है गल्फ स्ट्रीम G550, जिसकी प्राइस 61 मिलियन यूएस डॉलर्स है, यानी कि 450 करोड़ इंडियन रुपीस। तो चलिए दोस्तों, रतन टाटा की कार कलेक्शन आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना।